हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रीच आईजीएमटी कैंपस। क्योंकि गाइस, अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोगों का डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे यूजी और पीजी के जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं वो आने वाले हैं आईजीएमटी कैंपस ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने या फिर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने। ठीक है, तो उनके मन में काफ़ी सारा डाउट है कि हम कैसे आईजीएमटी कैंपस पहुँचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है आईजीएमटी कैंपस पहुंचने के लिए, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की, जो सभी के लिए अफोर्डेबल होता है। अगर आप ट्रेन से अपनी आईजीएमटी आने की जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन। क्योंकि आईजीएमटी से जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन। पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन से आईजीएमटी अमरकंटक की जो दूरी है वो लगभग 24 किलोमीटर की है। तो आगे का सफर तय करने के लिए आप लोगों के पास दो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी, पहला बस सर्विसेज और दूसरा ऑटो सर्विसेज। ठीक है, बस सर्विसेज जो आप लोगों को सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही अवेलेबल होगा। ऑल्दो यूनिवर्सिटी बसेस भी चलती हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूर बस स्टैंड आना होगा, वहीं से आपको मिलेगा। लेकिन गाइस, ये जो यूनिवर्सिटी बसेस हैं ये केवल सुबह के टाइम पर चलती हैं, जो आप लोगों को सुबह 8 बजे मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को एक और बस मिलेगी 10 बजे के करीब। ठीक है, उसके बाद कोई भी बस नहीं है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, लेकिन गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो बस सर्विसेज हैं केवल शाम 4 बजे तक ही अवेलेबल होती हैं। अगर आप शाम 4 बजे के बाद पहुंचते हो तो आप लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, ऑटो या फिर टैक्सी का, जो काफ़ी कॉस्टली होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, लगभग अगर आप बुक करते हो तो 500 रुपये के करीब ये चार्ज करते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके अलावा गाइस, अगर आप स्टेशन से बस स्टैंड तक चले जाते हो तो बस स्टैंड में आप लोगों को जो है शेयरिंग बोलेरोस का भी ऑप्शन मिलता है, जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है गाइस, क्योंकि बहुत ही कम चार्जेस में ये आप लोगों को जो है आईजीएमटी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस, अगर बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट्स की, तो आईजीएमटी से सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है जबलपुर का, जिसकी दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है। इसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट है रायपुर का, जिसकी दूरी 230 किलोमीटर है। इसके बाद का जो सफर है वो ट्रेन से ही करना होगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप जो है नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, या फिर ऑल टुगेदर कहें कि आप लोग जो है आसपास के एरिया से ही हो, तो आप लोग जाहिर सी बात है बस से ही ट्रैवल करोगे। ठीक है, अगर आईजीएमटी आना है आप लोगों को तो बस ही आप लोग प्रेफर करोगे। तो आप लोगों का जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा गाइस, वो होगा पोड़की बस स्टैंड। पोड़की बस स्टैंड से आईजीएमटी की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। जैसे ही इस बस स्टैंड पे आप लोग पहुंचोगे, आप लोगों को वहां से बहुत सारे ऑटोज मिल जाएंगी। ठीक है, जो आप लोगों को आईजीएमटी के गेट तक पहुंचा देंगी, या फिर आप अगर उन्हें अंदर जाने के लिए बोलेंगे तो वो आप लोगों को अंदर तक भी छोड़ देंगी। ठीक है, सो आई होप गाइस इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों के आईजीएमटी आने के सफर के दौरान आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। और गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि अगर आप जो है ट्रेन से, एरोप्लेन से, या फिर आप जो है बस से आईजीएमटी आने का सफर स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा होगा, और नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा होगा। ठीक है, और आगे के जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है उनके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।